सीधे अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। साथ में आप लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले को भी देख सकते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। और ये विश्व को बहुत सकारात्मक भावना देगा और डेफिनेटली वो सकारात्मकता जो है वो विश्व में उत्पन्न होगी, इससे इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें जो राम को नकारते आ रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? वो नादान है, बेवकूफ है, मैं ये कहूँगा। उन्हें असल में राम क्या है उसका नॉलेज नहीं है। देखिए, हर आदमी को जब तक वो डीपली पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, उसको समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हमें भी नहीं मालूम था बचपन में, हमने जो रामायण थोड़ी बहुत जानी थी, पढ़ी थी, उतना ही नॉलेज था उस हिसाब से, हमें ज़्यादा नहीं था, तो इतना हमें लगता नहीं था कि राम क्या है, राम कितने डीप हैं। वो एक हर तरीके से परफेक्ट हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जब उनको एक उपाधि दी गई है, कहा जाता है उनको, तो इसका मतलब है कि हर तरीके की मर्यादाओं का वो को निभाते हैं। और रामायण हमें ये सिखाती भी है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, और ये शिक्षा उन्हें नहीं मालूम है, ये उसका नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अर्जुन जी, एक सवाल है कि जो रामायण आपने जो जिस पर किरदार निभाया था, जो रामायण बनी थी, उसके बाद बहुत सी रामायण बनी, लेकिन वो रामायण जो बनी वो आज तक जो ऐसी रामायण नहीं बनी, क्योंकि विश्वविख्यात रामायण बनी। क्या आपको लगता है कि ऐसी और भी रामायण बननी चाहिए उस तरीके की, जिसको कि लोग मतलब पूरा विश्व फिर से पसंद करें? जो अभी रामायण, जिस रामायण की आप बात करें, जो रामायण हमने की थी वो बहुत पसंद की गई, उसमें कोई कमी थी? नहीं। तो फिर आप क्यों चाहते? उस तरह की से मतलब नहीं है। ये एक चीज़ यहाँ रखी हुई है तो अपने आप में पूरी है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी चीज़ तब लाई जाती है जब या तो उससे अच्छी बने या उससे कम बने। उसके बराबर की चीज़ तो दूसरी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और बाकी तो भविष्य की बात पता नहीं, भाई राम जी क्या चाहेंगे, क्या उन्होंने सोचा होगा, क्या डेस्टिन्ड है, वो नहीं पता मुझे। पर जब एक रामायण है तो अभी तो दूसरी की आवश्यकता नहीं लगती मुझे कोई भी। नहीं, उसके बाद बहुत सी बनी है, तमाम रामायण आई, लेकिन उस तरह की बनी आपको लगता है कि बननी चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो है ऑलरेडी तो दूसरी की आवश्यकता क्या है? जब वो अपने आप में कोई चीज़ पूरी है, संपूर्ण है, तो क्यों दूसरी बनाई जाए? और जिस दिन किसी को लगेगा तो वो बनाएगा, फिर से कोशिश करेगा कुछ। अब कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है वो तो राम जी जाने, वो व्यक्ति जाने। इस समय देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स में भी भगवान श्री राम के प्रति धुन सुनाया सुनने का जैसे पहले ट्रेंड होता था, आज का ट्रेंड लग रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं फिर से रामायण काल को उन्होंने समझा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम अपनी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे थे, लेकिन अब वो माहौल फिर से बना है। तो अब वो ये जो माहौल बना है, ये यहाँ इट्स कम हेयर टू स्टे, ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि आज हमेशा ये होता है कि जो आगे जो झंडा लेकर चलते हैं, जो मशाल लेकर चलते हैं, वो यंग लोग होते हैं। और आज का जो यूथ है वो इस समय इतना उसका जो वो इतना रामायण के साथ जुड़ गया है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ या मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाले लोग होते हैं वो यूथ होता है। तो अगर यूथ ने इस बात को समझ लिया है, यूथ अट्रैक्ट हो गया है उस तरफ, तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी। हमारे राम आए हैं गाने के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे? जैसा मैंने मोटा मोटी शुरुआत में बताया कि ये एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है जब ये तीनों महान कलाकार एक साथ आए हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण के रूप में स्थापित हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जो ये तो मंदिर के निर्माण के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि राम लल्ला की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, साक्षात जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा वहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम सभी को, रामायण के सभी किरदारों को, और मुझे लगता है ये वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे और ऐसा प्यार हमें मिलता ही रहेगा। हमारे